कुरुक्षेत्र में मेरे पांडवों के सब पुत्रों ने क्या क्या बताओ ऐ संजय मुझे। जब भी स्कूल की बात होती है तो पढ़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है, और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल में श्री राम ग्लोबल स्कूल में, जो एयरपोर्ट रोड पर स्थित है और प्लस टू तक ये स्कूल है। क्रिसमस आ रहा है तो इसलिए स्कूल में क्रिसमस कार्निवल मनाया जा रहा है और बच्चे इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, खूब सारी मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारी स्टॉल लगाई गई हैं बच्चों की तरफ से, बच्चे खुद से कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं। ये पहली फूड स्टॉल है जिसमें आपको पास्ता मिल रहा है, साथ ही साथ कोल्ड कॉफ़ी मिल रही है, मोए मोए गेम मिल रही है जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है, इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें और हैं। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा कैसे हैं आप, क्या कुछ खास आपकी स्टॉल पर है? माय नेम इज समृति, आई एम फ्रॉम ग्रेट फोर्थ पर्ल। आई हैव ऑन माय स्टॉल हेल्दी पास्ता, दैट इज वेरी टेस्टी, एंड वी हैव सम गेम्स आल्सो लाइक द कैंडल्स एंड मोय मोय गेम एंड मोय मोय गेम दैट इज सो स्पेशल जी, एंड सेपरेट द कलर्स एंड रेजर हंट एंड वी हैव कोल्ड कॉफी आल्सो। बिल्कुल, अब बच्चों ने मेहनत की है तो अगर आप आए हुए हैं तो यहाँ पर आकर जरूर टेस्ट कीजिएगा। ढेर सारी और स्टॉल्स हैं, उस पर भी हम जाएंगे, और आप देख सकते हैं स्वीट कॉर्न सूप एक स्टॉल लगाई गई है। दो बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ खास वो लेकर आए हैं। बेटा क्या कुछ अच्छा है आपकी स्टॉल पर, जो कुछ आए वो खा कर जाए? वी आर हैविंग स्वीट कॉर्न सूप एंड कुरकुरे चाट। तो कैसा मजा आ रहा है आज? बिल्कुल, बच्चे भी एक्साइटेड हैं, उन्हें काफी मजा आ रहा है। आप बताएं बेटा अपनी स्टॉल के बारे में कुछ। Yes, our stall is very nice. All are coming to our stall. We are having kurkure chaat and sweet corn soup. बिल्कुल, और आप देख सकते हैं बच्चों का साथ दे रहे हैं उनके टीचर्स। जरूरी हो जाता है बच्चों को हर फील्ड के बारे में बताया जाए, और वो श्री राम ग्लोबल स्कूल में देखने को मिलता है। अगर आप भी एंजॉय करना चाहते हैं इस कार्निवल में, आप आ रहे होंगे। और भी बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी स्टॉल्स हैं। ये आप देख सकते हैं एक हेल्थी ड्रिंक यहाँ पर मिल रही है, इसके अलावा गेम्स मिल रही हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ खास बेटा आपकी स्टॉल पर? वी हैव, फर्स्टली आई एम विशिंग वेरी मैरी क्रिसमस, एंड वी हैव हेल्दी ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न एंड रिंग गेम। मजा आ रहा है आपको? यस। बिल्कुल, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं स्टॉल है, इस पर मुझे पॉपकॉर्न नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चे मेहंदी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ बच्चे अपनी क्लास के बच्चों को, बाकी क्लासेस के बच्चों को मेहंदी लगा रहे हैं। बेटा आपका नाम, क्या कुछ खास आप लेकर आए हो? Hello all, my name is Kishan. I'm from 5th grade. On my stall we have popcorn variety and milkshakes and dart game. Along with it we have henna tattoos and dart game. बिल्कुल, गेम्स भी हैं, साथ ही साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसे खाकर बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। कुछ और स्टॉल्स जिन पर हम जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या खास हो रहा है बच्चों से जानते हैं। बेटा क्या कुछ खास लेकर आए हैं आप अपनी स्टॉल पर? मैरी क्रिसमस एंड गुड मॉर्निंग। एज यू नो दैट दैट इज ओकेजन ऑफ क्रिसमस, सो वी आर डूइंग फेस पेंटिंग एंड टैटू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, टैटू बना रहे हैं, कई जगह मेहंदी लगाई जा रही है, और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ये गेम्स आपको मेलों में भी नज़र आ जाती है, स्कूल में भी नज़र आ जाती है, और बच्चे एंजॉय करते हैं क्योंकि गिलास गिराने होते हैं। और बचपन से ही हमें क्रिकेट का और ऐसी गेम्स का बड़ा शौक होता है। एक नेल आर्ट की यहाँ पर और बच्चों ने स्टॉल लगाई है, आप देख सकते हैं बच्चे क्रिएटिव माइंड हो रहे हैं, बच्चों को आगे निकलना है,
बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ और करना है, और वो शिक्षा श्री राम ग्लोबल स्कूल में दी जाती है जो करनाल में एयरपोर्ट रोड पर स्थित है। एक स्टॉल और है, यहाँ पर जानेंगे बच्चों से। बेटा क्या कुछ खास आप अपनी स्टॉल पर लेकर आए हैं, कुछ अच्छा खिला रहे हैं? यस सर, वी आर हैविंग दही भल्ले, पापड़ी चाट, कुरकुरे चाट, यस सर, एंड कोक इज ऑल्सो देयर, कोल्ड ड्रिंक। और कितना एंजॉय कर रहे हैं आज के इस कार्निवल को? सर, एंजॉइंग वेरी मच। बिल्कुल, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, टीचर एंजॉय कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। और ये एक गेम है जिसमें पानी के अंदर गिलास है और वहाँ पर पिन ड्रॉप करनी है। इस तरीके के गेम्स की अलग अलग स्टॉल है, इस तरीके से अलग अलग खाने की स्टॉल है। एक और स्टॉल है बर्गर एंड फ्रूटी की, यानी कि फूड की। जी, रोल द डाइस एंड यू कैन विन द प्राइज। इफ यू विल प्ले विद द 10 रुपीज, इफ विल सेम नंबर विल कम, देन योर मनी विल बी डबल। बिल्कुल, हमारे साथ बेटा क्या मतलब गेम नंबर बताना है, उसके बाद वो नंबर आता है तो पैसे डबल है। यस सर। हाँ, बताएं अपनी गेम्स के बारे में, अपनी स्टॉल के बारे में। सर, वी हैव बर्गर्स ऑफ 20 रुपीज ईच एंड फ्रूटी ऑफ 10 रुपीज ईच। जी, और कितना एंजॉय कर रहे हैं आज स्कूल में, कार्निवल है, कितना इस दिन का तो इंतजार होता है बच्चों को। यस सर। बिल्कुल, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और इस दिन का सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, कोई भी त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, क्योंकि छुट्टियां भी नज़दीक होती हैं और साथ ही साथ मज़ा जो आता है वो भी है। और मैगी बच्चों की फेवरेट है, बच्चे घर से गाजर पाक बना के आए हैं, सर्दियों में सबसे फेवरेट जो है स्वीडिश होती है हमारी। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। बेटा क्या कुछ खास आप अपनी स्टॉल पर लेकर आए हैं? वी आर हैविंग हियर मैगी एंड गाजर का हलवा एंड देयर इज स्प्रिंग रोल। जी, घर से बनाकर लेकर आए हैं? हाँ जी। बिल्कुल, घर से बनाकर लेकर आए हैं तो जाहिर सी बात है टेस्टी तो होने वाला है। इस तरीके की जो गेम्स हैं, इस तरीके की जो फूड स्टॉल है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्रिसमस कार्निवल मनाया जा रहा है करनाल के अंदर श्री राम ग्लोबल स्कूल में, और बेसब्री से बच्चों को इंतजार है। बहुत सारी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो भी प्रस्तुत किए गए हैं। बेटा क्या कुछ खास आपकी स्टॉल पर? We are having a game with cards and we are also having some cupcakes and some samosa, chowmein samosa, chai known as tea, and also we are having lassi for this so much hot is there, so you can drink a cup of aur aaj ke din ko aap kitna enjoy kar rahe hain? We are enjoying a lot because we are selling our stall like things and we are enjoying a lot. बिल्कुल, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हर चीज में क्रिएटिव होते हैं। और एक और स्टॉल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, फूड स्टॉल लगाइए, बच्चे मेहनती हैं, यानी कि फूड कुछ खास लेकर आए हैं। क्या कुछ खास बेटा आपकी स्टॉल पर? वी आर हैविंग लस्सी, छोले कुलचा एंड पिज्जास। घर पे, घर से बना के लेकर आए हैं यहीं पे बनाए हैं। मजा आ रहा है आज के दिन। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा अच्छा फूड यहाँ पर बच्चों ने बनाया हुआ है, मेहनत की है, उनका साथ दे रही हैं उनके टीचर्स। और ऐसी और ढेर सारी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल्स हैं जिस पर बच्चे पहुंचे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खास लेकर आए हैं। एक और स्टॉल जिस पर हम पहुंचे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउनी और साथ में आइसक्रीम है, बच्चों की फेवरेट रहती है चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इसके अलावा क्या कुछ खास बेटा आपकी स्टॉल पर? सर, वी हैव गोलगप्पे, आटे वाले, सूजी वाले, दही एंड पानी वाले, एंड वी हैव ब्राउनी विद आइसक्रीम एंड सिंपल ब्राउनी। जी, मजा आ रहा है आज के दिन? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे मतलब 2-3 फंक्शन हर साल होते रहने चाहिए। यस सर। बिल्कुल, ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए ताकि बच्चे भी एंजॉय करें, टीचर भी एंजॉय करें, पेरेंट्स भी एंजॉय करें। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ स्टॉल्स और लगी हुई हैं जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। क्या कुछ खास है इस स्टॉल पर वो एक बार जान लेते हैं। क्या कुछ खास बेटा आपकी स्टॉल पर? वी हैव गुलाब जामुन एंड पाव भाजी। अब ये अधिकतर फूड्स की बच्चों की यहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई हैं, बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं। टेस्टी टेस्टी जो फूड है वो घर से बनाकर लेकर आए हैं। और एक और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है जिस पर बच्चे खुद से मेहनत करके कुछ खास कर रहे हैं। अगली स्टॉल पर आपको लेकर चलते हैं, श्री राम ग्लोबल स्कूल में हम आपको लेकर आए हैं जो करनाल में एयरपोर्ट रोड पर स्थित है। आज क्रिसमस कार्निवल मनाया जा रहा है,
बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ टीचर्स एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसे दिन का बेसब्री से बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को इंतजार रहता है। मैम क्या कुछ खास आपकी स्टॉल पर? जी, वी आर गोइंग टू सेल दिस नूडल्स जी एंड कॉटन कैंडीज, वी हैव स्वीट कॉर्न आल्सो जी एंड सम ऑफ द गेम्स आल्सो, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ श्री राम ग्लोबल स्कूल। वी आर रियली वेरी फॉर्चुनेट दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एवरी ईयर दिस वेरी एंटरटेनिंग इवेंट कार्निवल। Students are having lots of fun on this occasion. They are participating in all these activities with their great zeal and enthusiasm. We are really very lucky to find such a school with a good management. तो आप देख सकते हैं कुछ बच्चे भी हैं। बेटा क्या कुछ खास, कौन सी गेम लेकर आए हैं आप लोग? Yes, hello sir. There are three games. We as SRJNs are feel very proud to be part of this carnival. As you can see, all parents are eating, playing and enjoying. थैंक यू। बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। बॉटल को यहाँ पर यानी कि सीधा खड़ा करना, ये बहुत बहुत मुश्किल टास्क होता है और वो शायद ही कभी पूरा हो, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं बच्चे और वो जरूरी हो जाता है। इस तरीके की मस्ती होना, इस तरीके की पढ़ाई के साथ साथ ढेर सारी एंजॉयमेंट करना। करनाल के श्रीराम ग्लोबल स्कूल में हम पहुँचे हैं, क्रिसमस कार्निवल चल रहा है, क्या कुछ खास? मैरी क्रिसमस फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू। वी आर हैविंग चॉकलावा कपकेक्स एंड सैंडविचेस। कितना एंजॉय आज के दिन? इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फन हियर एंड लाइक एवरीवन इज एंजॉयिंग अ लॉट, देयर आर शोस हियर, सो लाइक इट्स रियली गुड। मजा आ रहा है, ऐसे मतलब होते रहने चाहिए ना प्रोग्राम? या या श्योर, यू नो इट्स लाइक अ मोमेंट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन, मीट न्यू पीपल एंड हैव फन विद योर क्लासमेट्स, और कुछ नई चीजें सीखने को भी मिलती है। या विद आवर जूनियर्स एंड सीनियर्स, लाइक इट्स लाइक बेस्ट। बिल्कुल, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं क्रिसमस कार्निवल में या किसी और भी फेस्ट के अंदर, जब भी स्कूल के अंदर होता है। और एक जगह हमने देखा कि बच्चे मेहंदी लगा रहे थे, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं टीचर्स भी उनका साथ दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज, किस तरीके से ये जो क्रिसमस कार्निवल है उसको आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? There are so many stalls over here and students are enjoying very well. The students have prepared so many stalls. E-tables are also there, nail extensions are also there. We are applying mehndi over here. Some kids are also helping with me, but they are now on round for eating something. So we all are enjoying, and you can see magic show is also going on. So it's a very nice arrangement over here. बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, और बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी मेहंदी लगा रहे हैं। और ये वो जगह है जहां पर आपको अपनी थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि कूपन आपको यहां पर लेने पड़ेंगे, और आप आ सकते हैं करनाल में श्री राम ग्लोबल स्कूल में। एडमिशन ओपन है, प्लस टू तक ये स्कूल है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का एक उज्जवल भविष्य है, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है करनाल का श्री राम ग्लोबल स्कूल। और यहाँ पर भी एक स्टॉल है AI एंड रोबोटिक्स, यानी कि किस तरीके से AI यहाँ पर काम कर रहा है और ये किस तरीके से बनाया गया है, सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ खास आपकी स्टॉल पर? ड्रोन्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और क्या क्या आप बच्चों को बता रहे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं यहाँ पर? गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू द स्कूल फॉर इनिशिएटिंग द रोबोटिक्स सेशन ओवर हियर। सो बेसिकली सर, दिस इज आवर मॉड्यूल्स है ना, वी आर वर्किंग अपॉन द रोबोटिक्स है ना ऑफ द स्टूडेंट। सो सर, दिस इज एज यू कैन सी वी हैव अ सर्किट बेसिकली ओवर हियर, एंड एज यू कैन सी सर, दिस इज आवर वाटर मोटर सर है ना। सो बेसिकली रोबोटिक्स इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट वी आर टीचिंग टू द स्टूडेंट, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स है ना। सो हेयर सर यू कैन सी दिस इज अ प्लांट है ना, हेयर इज अ प्लांट। एज लॉन्ग एज द मॉइस्चर सेंसर इज डिटेक्टिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द है ना, फ्रॉम द पॉट, फ्रॉम द सोइल बेसिकली, सो द वॉटर मोटर इज नॉट वर्किंग। एज द सोइल गेट्स ड्राइड द मोटर विल स्टार्ट वर्किंग, मतलब पानी आना शुरू हो जाएगा। यस यू आर राइट सर, सो दिस इज बेसिकली अ सर्किट। ये रोबोट भी आपने तैयार किया है? यस सर, वी हैव क्रिएटेड दिस रोबोटिक्स सर, एंड हियर वी हैव सर्टेन मॉडल्स ऑफ इट सर, सिंपल। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी बच्चों तक पहुंचाई जा रही है ताकि उनके भविष्य में ये रहे। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपका बच्चा पढ़ाई करे और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें सीखें, तो आप यहाँ पर एडमिशन भी करवा सकते हैं। उसी स्टॉल पर पहुँचे हैं जहाँ पर एडमिशन इंक्वायरी हो रही है। मैम क्या कुछ आज का कार्निवल, और क्या बच्चों को, पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहेंगी?
sir, first of all, we wish you all Merry Christmas. Today we are having carnival at our school, SRGS, and everybody is enjoying. We welcome each and every follower of Karnal Breaking News along with Shriram Global here in our school to enjoy this carnival. And this is admission counter. So we are here to assist you people. We are here to help you people for admission queries. Here, sir is just going through one admission query. So whatever help, whatever things people want to know about Shriram Global from us, they can welcome, we welcome them here for admission queries and everything. So we sort out their issues, problems, everything, whatever queries they are having, we are here to help them. Kuch batana chahenge ma'am? As we have already got the vibes of Christmas from our campus, so I welcome you all as a Karnal Breaking News followers also, and all the parents of our school. So Merry Christmas everyone, and we are happy to help you. You can visit our campus, Shriram Global School, near Airport Road, Kunchpara, Karnal. Anytime, we are here to help you. बिल्कुल है, बच्चे enjoy कर रहे हैं आज का कार्निवल, लेकिन parents बहुत सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो admission के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं. और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए एक बेहतर स्कूल मिल सके करनाल में, जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ाई भी करे साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी सीखें, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है श्रीराम ग्लोबल स्कूल, जो एयरपोर्ट रोड पर स्थित है. तो करनाल में श्रीराम ग्लोबल स्कूल में मनाया जा रहा है क्रिसमस कार्निवल, और सेंटा क्लॉज भी आकर बच्चों को यहाँ पर गिफ्ट भी देंगे, टॉफीज भी देंगे, चॉकलेट भी देंगे, और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हों चाहे टीचर्स हों. कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कैसा लगा मैम यहाँ पर आकर, कितना एंजॉय किया आप लोगों ने. वी एंजॉयिंग अ लॉट. श्रीराम ग्लोबल स्कूल इज ऑलवेज बीन अमेजिंग. आई एम द पार्ट ऑफ श्रीराम ग्लोबल स्कूल फैमिली फ्रॉम द लास्ट 3 years, एंड आई एम टोटली सैटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शंस, फेस्टिवल्स, एनीथिंग. दे आर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग. तो बच्चों के साथ साथ आपको भी बचपन के दिन याद आ गए. हाँ श्योर. अभी राइट नाउ वी वर एंजॉइंग द मैजिक शो एंड आई वॉज रिकॉलिंग माई चाइल्ड हुड डेज. दैट वॉज वेरी नाइस. थैंक यू. कितना एंजॉय किया मैम यहाँ पर आकर? मतलब माई चाइल्ड सो है लास्ट 2 years इन स्टडीज, एंड दिस टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव and sportive, and I am enjoy very much, and every year. बिल्कुल है, हर साल enjoy करते हैं इसी तरीके से. और करनाल में श्रीराम ग्लोबल स्कूल में हम पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर बच्चे enjoy कर रहे हैं, ढेर सारी मस्ती कर रहे हैं, उनके साथ उनके parents भी enjoy कर रहे हैं, और कुछ और parents से भी हम बातचीत करेंगे. तो बच्चों के साथ साथ parents भी enjoy कर रहे हैं, कुछ और parents हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि करनाल के श्रीराम ग्लोबल स्कूल में जो क्रिसमस कार्निवल मनाया जा रहा है उसका वो लोग कितना आनंद उठा रहे हैं. मैम कैसा रहा आज का सेलिब्रेशन, कितना एंजॉय किया? बहुत बढ़िया. वी आर रियली एंजॉयिंग. बच्चे भी बहुत, दे आर ऑल हैविंग फन. वेरी नाइस. स्टॉल्स आर वेरी गुड. दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट इन. इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ना सर, ताकि बच्चे भी एंजॉय करें, साथ साथ मिलने का भी एक मौका मिल जाता है. यस, दिस जनरली इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल, पार्ट ऑफ अ करिकुलम. दे कीप ऑन हैविंग दीस इवेंट्स. Kids keep, parents get to interact with the teachers, kids get to interact with the different children outside, from the kids coming from outside also. So interaction hoti nahi cheez. Aur ye dekhkar bachpan ke din bhi yaad aa jate hain. Yeah, bilkul bahut yaad aate hain. Bilkul enjoy kar rahe hain. Sir, kya kuch kehna chahenge bachchon ke sath? Aap bhi aaye hain, kitna enjoy kiya? Sir, today I have enjoyed a lot. The best thing in this academics is there is a good academics, and there is a good get together. Parents interact with the students of others, you know, the teachers, with the parents, with the principal, with the other parents, hai na? So there is a very good, बिल्कुल है, बहुत सारे बच्चे पहुंचे हैं, उनके पेरेंट्स पहुंचे हैं, और टीचर्स तो उनका साथ दे ही रहे हैं. कुछ बताएंगे, एंजॉय किया आज आपने? एंजॉय किया, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे थे. और करनाल का ये श्रीराम ग्लोबल स्कूल, जहाँ पर टीचर पहुँचे, बच्चे पहुँचे, साथ ही साथ पेरेंट्स पहुँचे, कई एक्टिविटीज़ हुई, गेम्स हुई, फूड स्टॉल लगे, और ढेर सारी मस्ती की. हम आपको लेकर आए हैं श्रीराम ग्लोबल स्कूल में, जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को
भारत की संस्कृति, साथ ही साथ संस्कार और ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में सिखाया और बताया जाता है ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बन सकें। हमारे साथ प्रिंसिपल मैम है, मिसेज सविता कपूर। किस तरीके से देखते हैं मैम बच्चे बहुत एंजॉय करें और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को, टीचर्स को अपने बचपन की याद आ रही है? This has been a regular feature of our school. Good afternoon to everyone. And like the thing is that even the new education policy says integration. So, and we are into integration from the very inception of the school. So we are doing this because we want the children to have first-hand knowledge, first-hand experience. When they are selling the things, they are learning how to deal with the stress, how to deal with the customers, and to be very confident. And the best part about this is ki the children have prepared everything with their own hands, with the proper guidance from their teachers, and they are loving it and they enjoy. And whatever they are earning, the profit is divided equally into the children only. So, and they love, they are always waiting for this. बिल्कुल, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। सुषमा जी हैं हमारे साथ, मैम कैसा लगा यहाँ पर आकर? आई एम सुषमा चोपड़ा, प्रिंसिपल ऑफ वीपी इंटरनेशनल स्कूल, एंड इट्स ए ऑनर फॉर मी दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस टुडेज फंक्शन। एंड आई कैन प्राउडली से दैट श्री राम ग्लोबल स्कूल इज टचिंग द हाइट्स ऑफ सक्सेस, and it is well known for academic excellence and the benchmark to the co-curricular activities, and it's all because of the management and principal Savita Kapoor. Because of their untiring efforts, they are achieving heights of success, and I can say that definitely they will touch the success and future also. And I wish to the whole family of Shri Ram Global School that they will go so high and in future they will get the name, fame and all that. Thanks. बिल्कुल, उम्मीद यही करनी है। May all the students and the parents wish good luck for all. बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि श्री राम ग्लोबल स्कूल हर साल नई बुलंदियों को छुए, यहाँ के बच्चे पढ़ाई के अंदर अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ और इस तरीके के कार्निवल होते रहें ताकि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे कुछ नया सीख कर जाएं। मैम सर, शी इज गिविंग द क्रेडिट टू द मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल एंड टू द स्टाफ मेंबर्स आल्सो, या बिकॉज़ दे आर बिकॉज़ ऑफ विदाउट द एफिशिएंट स्टाफ, be it teaching or non-teaching, nothing is possible. I owe the success of every function to my teaching staff as well as the non-teaching, the helping staff, the drivers, conductors, my awesome kids who are putting in their best. So this is because all of them we this are is here. All because of the guidance of principal and the management. They are achieving now. Request the parents to accompany the kids on the stage. CBSE yoga camp a request. तो क्रिसमस कार्निवल की मस्ती है चारों तरफ और हम पहुंचे हुए हैं श्री राम ग्लोबल स्कूल में, जहां पर पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ। कुछ पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। सर, कैसा लगा यहां पर आकर और कैसा एक्सपीरियंस है, कुछ बताएं। द एक्सपीरियंस ओवरऑल इज वेरी गुड। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्निवल। इट्स गिविंग द किड्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट देमसेल्व्स, नॉट ओनली अबाउट द एकेडमिक साइड ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज academic wise every school concentrates on it, but not every kid might be good in academics. They might be good in cooking, they might be good in singing, dancing, sports, any other activities. Those activities are something the school needs to get the kid to understand. So that's what I see it as, an opportunity for both the parents as well as the kids to explore themselves. And that's what I love about SRGS, the opportunity that each kid get, not only my daughter. Overall I see the environment as quite liberate. That's what I love about the school. कैसा अनुभव रहा मैम?
बहुत ही अच्छा है सर. वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ श्रीराम ग्लोबल स्कूल. एज हस्बैंड ने भी बताया है कि देर आर मेनी थिंग्स और वी आर वॉचिंग आवर डॉटर. वो कितना कॉन्फिडेंटली वर्क कर रही है और बाकी बच्चे भी दे आर वेरी गुड. एंड स्पेशली मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी टू प्रिंसिपल मैम कि ऐसे कार्निवल्स नॉट ओनली ऑन क्रिसमस हमें हमारे जो साल में 3-4 बार हो जाए. डेफिनेटली सर बहुत अच्छा लग रहा है और बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों के लिए चूज करें श्रीराम ग्लोबल स्कूल को. बिल्कुल, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और स्टेज पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों ने जो अच्छी परफॉर्मेंस दी अलग अलग चीज़ों के अंदर, किसी ने स्पोर्ट्स में, किसी ने योगा में, किसी ने एरोबिक्स में, तो उन्हें सम्मानित किया जा रहा है. आप देख सकते हैं एक शानदार इनाम दिया जा रहा है, एलईडी बच्चों को दी जा रही है उनके घर के लिए. उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये खुशी का मौका है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए. और इस तरीके के जो कार्निवल है वो होते रहने चाहिए, इस तरीके की एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी खुश हों. ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीराम ग्लोबल स्कूल से, जहाँ पर आज क्रिसमस कार्निवल मनाया जा रहा है और हर कोई यहाँ पर एंजॉय कर रहा है. आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूँ आपके साथ.